नमस्कार साथियों, स्वागत है शेयर सप्रत के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 में और उसकी घोषणा होने में, नोटिफिकेशन आने में और चार संहिता देश में लगने में मात्र कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। और इस लोकसभा चुनाव 2024 में क्या पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद जीत की हैट्रिक लगाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री होंगे? क्या बीजेपी कांग्रेस के उस 1952, 1957, 1962 के रिकॉर्ड की बराबरी करेगी 2014 के लोकसभा चुनाव 19 और 24 के, या इस देश में सत्ता परिवर्तन के 2014 वाले अंदाज में रखी जाएगी, 2004 वाले सत्ता परिवर्तन के अंदाज में रखी जाएगी? देश का फील गुड होगा, भारतीय जनता पार्टी का इंडिया साइनिंग होगा, कांग्रेस के लिए यूपीएफ फॉर्मेट में इंडिया अलायंस सामने आ जाएगा, या फिर हिंदुस्तान की राजनीति के भीतर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की जब 1990-91 से लेकर के 2009 तक की परिपाटी रही है, वो परिपाटी देश के बीच सामने आ रही है। सवाल सबका होता है, सवाल बेरोजगारों के भी होते हैं, गरीबों का होता है, यूपी पुलिस के भीतर पेपर लीक मामलों का होता है। पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई और करीब 6 महीने का बाद का टाइम दिया गया, 6 महीने के भीतर एग्जाम हो जाएगा, री एग्जाम होगा। सवाल उसका नहीं होता है, सवाल इसी दौर में ओल्ड पेंशन स्कीम का भी होता है, तो किसानों के एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का भी होता है, और सवाल इसी दौर में आदिवासियों के पेशे कानून का भी होता है, तो सवाल इसी दौर में दलित चेतना का भी होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे जननायक कॉर्पोरेट फॉर्मूले के हिसाब से रोहिणी फॉर्मूले को लागू किया जाए ठंडे बस्ते से निकाल करके, इस सवाल के आधार पर जो राजनीति होगी वो एक कैटलिस्ट की भूमिका, एक उत्प्रेरक भूमिका निभा सकती है। असल भूमिका जो है तो हिंदुस्तान की राजनीति में अगले 2-3 महीनों के भीतर दो नेता तय होने जा रहे हैं जी, दो ऐसे चेहरे, और दो चेहरे पर इनका प्रभाव केवल अपने अपने राज्यों तक सीमित नहीं होता, इनकी पॉलिटिकल पार्टी केवल अपने राज्यों तक सीमित हो, लेकिन दो चेहरों के आश्रय वर्तमान समय में पीएम मोदी सत्ता की तीसरी पारी इनके अगर हाथ में कहना कि किस्मत हो गई हो तो यह आश्चर्य नहीं होगा किसी को। पीएम मोदी तीसरी बार आएंगे लोकसभा चुनाव में जीतकर, या फिर तीसरी बार आने की कोशिश में आम जनता के बीच से जनादेश नए तरह के आएंगे, ये केवल दो व्यक्ति तय करेगा, दो चेहरे। और दो चेहरे कौन होता है? एक चेहरा होता है पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का, जो यूपीए अलायंस, जो इंडिया अलायंस के रूप में सामने खड़ा होते हैं, और एक चेहरा नीतीश कुमार का बिहार में होता है, जो फिलहाल इस वक्त जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो उस दौरान जब इसको हम आपको बता रहे हैं इस बारे में, उस समय तक नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, उसके आगे वो किसके साथ खड़े हो जाएंगे ये शायद नीतीश कुमार ही बेहतर बताएंगे, लेकिन इन दो चेहरों के हाथ में हिंदुस्तान की राजनीति तय होगी। बीजेपी नारा 370 का लगा रही है, 2/3 बहुमत चाहिए बीजेपी को, एनडीए को 400 पार सीटें चाहिए। 2/3 बहुमत किस लिए मिलता है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 2/3 बहुमत चाहती है, अपने एजेंडों के पूरी तरीके से लागू करने या थोपने के लिए। लेकिन 2/3 की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, 370 की बात छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत 272 का आंकड़ा होता है साधारण बहुमत का। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर बीजेपी एक व्यापक गठबंधन के आधार पर एक उस आंकड़े को हासिल किया था, लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में वो साल बदल गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा, ये बदले हुए साल के भीतर 272 का आंकड़ा आप छोड़ ही दीजिए, बीजेपी क्या सच में 250 के आंकड़े को पार करेगी? दो चेहरे ही तय करेंगे, और इसका अंदेशा इसलिए दो चेहरों का ही नहीं बल्कि इसका अंदेशा जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में उनका भी चल चुका है, और जयंत चौधरी के बारे में खबर आती है कि वो उस धारा के साथ लौटने के लिए बेताब होते हैं जिस धारा के साथ चौधरी चरण सिंह राजनीति करते थे। चौधरी चरण सिंह को जिस धारा के रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर उप मुख्यमंत्री के चुनाव में 1989 के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य रूप से खड़ा किया था जयंत चौधरी, अभी उसी धारा की ओर लौट सकते हैं अंदर खाने ऐसी खबर चलती, क्योंकि वो तवज्जो नहीं मिल रही जिस तवज्जो की उम्मीद में जयंत चौधरी दिल जीत लिया स्लोगन के साथ हो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखे थे, लेकिन दिल जीता या नहीं जीता, दल जरूर जीत लिया, ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म कही जाती है। अगर दिल जीत लिया होता तो अब तक जयंत चौधरी जिस तेजी से, जिस रफ्तार के साथ
इंडिया गठबंधन के भीतर राजद राज सीट शेयरिंग की घोषणा की जा रही है। अब तक जयंत चौधरी के साथ भी सीट शेयरिंग की घोषणा कहीं ना कहीं हो गई होती। खैर, दो बात व्यक्ति की बात की, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश कुमार की। ममता बनर्जी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 18 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये बात हर कोई जानता है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की खाता खुला था ममता बनर्जी के राज्य में 2014 के भीतर, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाल के 42 लोकसभा सीटें में से 34 लोकसभा सीट जीती 2019 में। भी ओवर कॉन्फिडेंस में होती है, उनको ऐसा लगता है कि 35 36 या 40 सीटें पहुंच सकती है, लेकिन जमीन पे हालात कुछ और होता है। जमीन पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बूथ मैनेजमेंट सही नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जो है वो दूरियां बनती हुई दिख रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो जिस दूरी की उम्मीद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कतई नहीं किया होगा, उस दूरी को काफी हद तक विधानसभा चुनाव के दौरान ही बांट दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए, हालात इतने बदल गए कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता हो गया है। 4 सीटें कांग्रेस को मिलेगी और 5 सीटें मिलेगी, ये कुछ समय में सबके सामने हो जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर 37 या 38 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी इंडिया अलायंस के तहत लड़ेगी और बची हुई 4-5 सीटें जो होगी वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सीपीएम केरल फॉर्मूले के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के भीतर 42 की 42 लोकसभा सीटें, या हो सकता है कि कांग्रेस के कोटे वाली सीटों को छोड़ करके 37 या 38 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ गई? सीपीएम के वोट के एक बहुत बड़ा 20 वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें दलित वोटर आदिवासी वोटर दोनों बीजेपी के पार्टी के साथ मोटे मोटे तौर पे शिफ्ट हो गए थे, चाहे वो मतुआ समाज हो चाहे वो जंगल महान इलाके का आदिवासी समाज हो। लेकिन जंगल महल इलाके के भीतर हेमंत सोरेन ने पिछले विधानसभा चुनाव के भीतर ममता बनर्जी की मदद की थी, और हेमंत सोरेन और जेल के भीतर हैं, ईडी के कृपा होती है, और ईडी के कृपा से जब हेमंत सोरेन जेल के भीतर होते हैं तो उनके जेल के भीतर होने की जो सीढ़ी जो है ईडी के कृपा से जेल जाने की जो कहते हैं ना रास्ता जो तय किया जाता है, अब जंगल महल के इलाके के आदिवासियों के बीच पहुंच गई है। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अघोषित तौर पे ही सही इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे हैं, ये बात मतुआ समाज तक पहुंच गई, ये बात पश्चिम बंगाल के दलित समाज तक पहुंच चुकी है। और बूथ मैनेजमेंट के कमजोर होने के बाद और जिस तेजी से ममता बनर्जी ने बूथ के ऊपर काम किया, धरातल पे अपने कार्यकर्ताओं को उतारा, 2022 के विधानसभा चुनाव में जो लूपहोल जो जीत के बावजूद 3/4 बहुमत के बावजूद जो लूपहोल दिख गया था वो लूपहोल जो है अब भर गया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज होता है। तृणमूल कांग्रेस सबको पता है जिस प्रकार से एक समय में सीपीएम के कमजोर होने का कारण सीपीएम के कार्यकर्ता होते हैं। सीपीएम के कार्यकर्ता कई जगहों पर पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समानांतर शासन व्यवस्था के तहत ही उसी तरह पश्चिम बंगाल के भीतर शासन व्यवस्था को जमीनी आधार पर चलाया करते थे, और उससे आम जनता के बहुत बड़े हिस्से में तकलीफ होती है। सत्ता बदल जाता है, निजाम बदल जाता है, समय बदल जाती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह ममता बनर्जी आ गई, ज्योति बसु का सपना पश्चिम बंगाल के भीतर, राइटर्स बिल्डिंग में लाल सलाम का सपना बिखर सा गया। 34 साल के लाल दूत का अंत हो गया। लेकिन लाल दूत के अंत के बाद जिस प्रकार के एलिमेंट्स में सीपीएम को कमजोर किया गया था, उस सारे एलिमेंट्स जो है टीएमसी के साथ कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट टीएमटी के साथ हो गए। टीएमसी के साथ जब हो गए और बीजेपी के लिए जो कार्यकर्ता जमीन पे उतरे लड़ रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर जब दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तब अमित शाह जेपी नड्डा और पीएम मोदी से यानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बहुत उम्मीदें थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों के ऊपर और 18 लोकसभा सीटों पर पहुंचाया, उनकी सुध लेने के लिए भी दिल्ली से कोई विशेष पहल नहीं की गई शीर्ष नेता की तरफ से। इसमें बीजेपी को उस हालात के भीतर पहुंचा दिया जिस हालात में सीपीएम खड़ी होती है। पश्चिम बंगाल के भीतर अब लड़ाई केवल इस बात की होती है कि नंबर 2 की ताकत के तौर पर सीपीएम उभरेगी या फिर बीजेपी उभरेगी। जो भी उभरेगी उसकी सीट कितनी होगी, और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती, ये बहुत बड़ी देश की सच्चाई होती है। वोटर्स की उपेक्षा करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती है,
और मिजाज को समझते बूझते हुए और मिजाज की उपेक्षा करते हुए करके कोई भी राज्य के भीतर कोई भी पार्टी अपना जनाधार खड़ा नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल के भीतर हिंदुत्व का वह चेहरा नहीं चल सकता जो गुजरात के भीतर चलता है। पश्चिम बंगाल का बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल होता है, बंगाल सुभाष चंद्र बोस का बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल ज्योति बासु का पश्चिम बंगाल होता है, और बंगाल इस भारत देश के भीतर पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीयता का वो प्रस्थान बिंदु होता है जिस प्रस्थान बिंदु के सहारे ही भारत देश के आधुनिक लोकतंत्र में बदलने के लिए 15 अगस्त 1947 को अमली जमा पहनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी। उस पश्चिम बंगाल के भीतर वो हिंदुत्व नहीं चलेगा जिस हिंदुत्व के आश्रय गुजरात से उत्तर प्रदेश की राजनीति को हांकने की प्रयास होती है। उस चुनावी हिंदुत्व को पश्चिम बंगाल के आम जनमानस स्वीकार नहीं कर सकती। जमीनी हालात यही होता है। और अगर बात करें किसी और चेहरे की, जिस चेहरे के आधार पर बहुत बड़ी उम्मीद पीएम मोदी सत्ता की थी, उस चेहरे को साथ लाने के लिए न जाने क्या क्या पापर बेलने पड़े, न जाने इंडिया अलायंस के भीतर वास्तविकता में कोई गलती हुई या फिर नहीं हुई, लेकिन आरोप जरूर लगता है कि गलती हुई। वो चेहरा बिहार में नीतीश कुमार का है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में नीतीश कुमार से 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए जो पाला बदल का खेल होता है, अल्टी पल्टी के खेल में नीतीश कुमार के साख को काफी हद तक बट्टा लग जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की चुनावी अहमियत को ना तो पीएम मोदी नकार सकते, न लालू प्रसाद यादव नकार सकते, न ही राहुल गांधी नकार सकते, न ही बिहार में अमित शाह या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर तेजस्वी यादव किसी कोई नहीं नकार सकता। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने की इच्छा नीतीश कुमार की थी। अब वो तारीख भी निकल गई। अब वो अब चुनाव जो है 21 मार्च को उसकी तारीख जो निर्धारित हुई है, यानी ये कहे कि लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना, संभावित अधिसूचना जारी होने के कहते हैं ना एक आध हफ्ते की बाद की तारीख साफ साफ मनसा दिखती है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव नहीं चाहती। अगर एक तारीख की बजट सेशन के निपटने के बाद जो है तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग करने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को सहमति अगर नहीं दी, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की बुनियाद अगर नहीं पड़ी, एक ही बात संभव दिखता है, एक ही संभावना अधिक होती है कि बीजेपी कोटे के तीनों मंत्री जो है 16 जून 2013 के उस घटना चक्र की याद दिलाते हुए दिखेंगे जब बिहार में नीतीश कुमार एक ही झटके में 11 भाजपा मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। इस बार शपथ के चक्कर में वो नहीं पड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बाहें खोले फैलाए हुए, नीतीश कुमार की अहमियत का एहसास है। बीजेपी को नीतीश कुमार की अहमियत का इस कदर होता है कि नीतीश कुमार को छेड़ने की कोई भी कोशिश अगर हुई तो झारखंड से लेकर के बिहार उत्तर प्रदेश तक नीतीश कुमार का समुदाय जो है प्रतिक्रियावादी होकर के पॉलिटिकल तौर पर प्रतिक्रियावादी होकर के उस वोटर में तब्दील होकर के बीजेपी से चुनावी रूप से हिसाब किताब 2024 के लोकसभा चुनाव में आ सकता है। कोई अनुप्रिया पटेल नहीं तो बचा सकते बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, कोई सुदेश महतो या आरजू जान कोई भी नहीं बचा सकता भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार को अपने इस अहमियत का अंदाजा होता है, इंडिया अलायंस को यह बात पता है। यदि नीतीश कुमार उसके साथ आकर के बिहार विधानसभा भंग भी करना चाहे तब भी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तोहमत लगेगा कि वो बीजेपी के कथित इशारे पे आजकल काम किया करती है। कई विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाते हैं, प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं, तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी नीतीश कुमार बहुत बड़ा डेंट लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि बीजेपी 220 से आगे बढ़ेगी तो नीतीश कुमार की उसमें कितनी बड़ी भूमिका होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें थी बिहार लोकसभा में, बिहार के लोकसभा सीटों में 40 लोकसभा सीटों में, लेकिन इस बार कितनी सीटें मिल पाएगी नीतीश कुमार के रहते हुए ये बात देखना जरूरी होगा। जय हिंद, जय भारत।